तो सबसे पहले तो मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत टाइम हो गया मैंने आपको वीडियोस नहीं दिया, और ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स था. और ये जो मेरे बाल देख रहे हो, ये भी बहुत ही अजीब तरीके से मतलब कटाया था मैंने, कुछ रीजंस था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत ग्रो हो रहा है, इसके बाद मैं वीडियो के सामने बैठने का हिम्मत किया. तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया वीडियो के टाइटल में, इट्स वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक एंड वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्ट टॉपिक इन माय चैनल. बहुत रिक्वेस्ट आया इसका, इंस्टाग्राम में डीएम आया, फिर व्हाट्सएप में भी मैसेजेस आया, कि जब मैं पोस्ट दिया था कि कौन सा टॉपिक मैं शुरू करूँ, तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आया. भले ही इसका नाम मैंने अलग रखा, मतलब सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी रिलेशनशिप, बट बहुत सारे अलग अलग नेम से टॉपिक मेरे पास रिक्वेस्ट आया, जैसे कि व्हाट इज लव, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लव एंड अट्रैक्शन, ऐसा कुछ आया. तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो में मैं यही सब क्लियर करूंगा, लेकिन नॉट एज ए लव गुरु. आप लोग कोई भी यहाँ पे नीचे लव गुरु कॉमेंट मत करना प्लीज, ये मेरा रिक्वेस्ट है. क्योंकि मैंने देखा, मैंने एक बार लाइव गया था यूट्यूब में, तो वहां पे मैं जब बातें कर रहा था इन सब मैटर पे, तो वहां पे नीचे कमेंट कर रहा था, लव गुरु जैसे बात कर रहे हो. ठीक है, आपने मजाक में ये बोला, लेकिन क्या है ना, ये जो वर्ड है लव गुरु, ये आप जब बोलते हो ना, मतलब लव गुरु ये वर्ड, तभी मतलब ये लव का मीनिंग ही आप चेंज कर देते हो, जैसे कि ये कोई सब्जेक्ट है और इसके कोई टीचर्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं बस इस टॉपिक को मैं शेयर इसलिए करूंगा क्योंकि मैं खुद भी ये सब महसूस कर रहा हूँ और किया, और ऊपर से बहुत सारे मोटिवेशनल एक्सपर्ट्स जितने भी हैं, जैसे कि संदीप महेश्वरी सर हो गया, उनसे भी मैंने ये टॉपिक कलेक्ट किया, और उनसे ज़्यादा कौन जाने सब टॉपिक्स में. तो मोटिवेट मैं हमेशा आप लोगों को करता रहता हूँ. तो इस वीडियो में मैं कुछ सीक्रेट्स के बारे में बात करूंगा, जो कि हमें पता हो के भी पता नहीं रहता, ऐसे कुछ सीक्रेट्स के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में, जिससे कि आपका रिलेशन ठीक ठाक रहे, और भी बहुत कुछ बातें करेंगे इस वीडियो में. तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शौविक और आप देख रहे हो मी3 यूट्यूब चैनल, बने रहिए चैनल के साथ. तो दोस्तों, सबसे पहले आप अगर एक रिलेशन में हो, आपको अगर लगता है, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि रिलेशनशिप और प्यार, ये दोनों अलग अलग चीज है. देखिए, रिलेशनशिप एक ऐसा चीज है जो कि एक टर्म, ओके, आप इसको एक टर्म बोल सकते हो कि रिलेशनशिप इज अ टर्म. बिकॉज आप देखिए, रिलेशनशिप आपका तो किसी के साथ भी बन सकता है, ऐसे ही प्यार भी आपको किसी के साथ भी हो सकता है. जैसे कि आप सिंपली अगर देखा जाए, तो रिलेशनशिप फादर मदर के साथ हम लोग का क्या है, रिलेशनशिप है, उनमें प्यार भी है उनके साथ, तो ये अलग है. और जिसके लिए आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया इस टॉपिक, वो रिलेशनशिप कुछ अलग ही है. तो रिलेशनशिप हम इसको बोलेंगे नहीं, हम डायरेक्टली प्यार के नाम से इसे जानेंगे और लव के नाम से इसे जानेंगे. तो उसको हैप्पी, मतलब उस रिलेशनशिप को हैप्पी रखने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, प्लीज लेट गो. हमें छोड़ने की आदत को, मतलब छोड़ने का जो कला है ना, उसको आजमाना पड़ेगा. अभी गलत सेंस में मत लीजिए, छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि आप सब कुछ छोड़ते रहे, आपको जो मिला उसे भी छोड़ दे, कुछ भी आपको मिला वो छोड़ दे, ऐसा नहीं है. कॉम्प्रोमाइज ये सब भी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज फिर ये कमिटमेंट्स ये वगैरह वगैरह बहुत सारे टर्म्स यूज करते हैं मॉडर्न जमाने के लोग. मैं भी मॉडर्न जमाने को, लेकिन वही अलग थिंकिंग रखने वाला इंसान हूँ. तो ये जो है ना कमिटमेंट, ये सब नहीं चलता प्यार में. सच्चा अगर कुछ प्यार है ना, वो है लेट गो, मतलब जो हो रहा है उसको होने दो, जो आ रहा है उसको आने दो, जो जाना चाहती है, जो जाना चाहता है उसको जाने दो. मतलब कुछ भी चीज को रोको मत यार. आपने कुछ किसी भी चीज को जब रोकने की कोशिश किया ना, तब उसको लगता है कि मतलब तभी पता चल जाता है कि ये प्यार नहीं हो सकता, ये है एक कमिटमेंट. मतलब तू मेरे साथ प्यार किया है तो तुझे मेरे पास ही रहना पड़ेगा, तू किसी के साथ बात करेगा तो तू मेरे से पूछ के बात करेगा या करेगी, कुछ भी है वो. मतलब मेरा मेरा मेरा, तेरा तेरा तेरा, ये चीज तू मैं हटाना पड़ेगा. और लेट गो यार सबको. आप लोगों को पता है कि हमारे अंदर, इंसानों के अंदर ना, जो सबसे खुशी देने वाला चीज होता है ना, और वो है फ्रीडम. सबसे खुशी देने वाला चीज है फ्रीडम. देखिए, सब अलग अलग होते हैं. आप मैं फ्रीली बात कर रहा हूँ आप लोगों से. जैसे कि आप जिनके साथ रिलेशन में गए हो,
मतलब आपको जिसके साथ जिनके साथ प्यार है ऐसा लगता है, तो आपको क्या, आप एक बार सोच के देखो, सोचो कि एक साल हो गया, ठीक है, आप लोगों रिलेशनशिप को एक साल हो गया, तो उस एक साल पहले क्या आप उनको पहचानते थे? नहीं पहचानते थे। क्या वो आपको पहचानती थी या पहचानते थे? नहीं ना। तो उनका एक अलग लाइफ था, अलग लाइफस्टाइल था। तो हम जब भी किसी चीज़ को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तभी हम लोग ना अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, तो तभी इम्परफेक्शन मतलब परफेक्ट चीज़ चाहने लगते हैं, तभी जाके दरार पैदा हो जाता है। बिकॉज शी और ही वॉज नॉट हैबिचुएटेड लाइक दिस। और आप भी खुद को देखो, मतलब आप भी अगर ऐसा हो कि वो आपके ऑपोजिट जो आपका जो पार्टनर है वो अगर आपको चेंज करने की कंटिन्यूसली कोशिश किए जा रहे हैं, तो आप समझ लो भाई, डायरेक्ट बात बोलो तो कट लो, क्योंकि ऐसे नहीं होता है। आपको मतलब रिलैक्स रहना चाहिए। जिस दिन आप खो गए ना, तभी होता है प्यार। मतलब किसी भी चीज़ का बाइंडिंग ना हो, ऐसा मुझे भी समझने में बहुत टाइम लग गया था, लेकिन क्या है ना, जब समझा तब एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर लिया मैंने। तो पहला चीज़ है, पहला सीक्रेट है, लेट गो। प्लीज़ लर्न हाउ टू लेट गो। इसके बाद है, यू हैव टू बी मैड, है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। मैं सोचता हूँ ऐसा, पागल जब तक बने रहोगे ना, तब तक आप बहुत ही खुश रह पाओगे। पागल यानी कि ऐसा नहीं, अभी ये सब तो होता ही है भाई, हेलो मैं तो पागल हो गया, फिर दूसरे जगह से बोलेंगे हाँ तुम तो मेरे ही पागल हो, या फिर मैं तो तुम्हारे लिए पागल हूँ। भाई ये सब डायलॉग का जगह कुछ अलग है, ठीक है। जिस दिन आपके मुंह से ना ये सब आर्टिफिशियल डायलॉग निकलना बंद हो जाएगा ना, दैट टाइम आपको पता चलेगा कि असली प्यार क्या चीज़ है। जी, लव प्यार इस सबको एक मटेरियल बना के रखते थे कोई कोई लोग, तो वहां पे बुरा लगता है। फिर जब चेंज हो जाते हो ना, आपको चेंज नहीं होना यार, चेंज नहीं होना, जो होना है अपने आप, जो पहले पॉइंट में मैंने बताया कि अपने आप जो चीज हो रहा है उसको वैसे ही होने दो, तब जाके आप खुश रह सकते हो। कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं? बी मैड, पागल हो जाओ, पागल इस उस सेंस में पागल हो जाओ कि कुछ भी हो रहा है यार, सब कुछ में हंसते रहो, हंसते खेलते रहो। लड़ाई हो रहा है ना, तब भी हंसने का एक जरिया है कि जैसे कि लड़ रहे हो ना, अचानक से उनके आपके ऑपोजिट आपके जो पार्टनर है उनके चेहरे पे देखो कैसे चेंज होता है, देखना आपको अलग ही एक मतलब मजा आ जाएगा, अचानक से एक हंसी आ जाएगा। और ये जो हाँ सडनली आपको मतलब गुस्सा आएगा इस हंसी में, ऑपोजिट वाले को भी हंसी आएगा, लेकिन क्या है ना, इनसे आप फ्री रह पाओगे। जितना हंसोगे आपको उतना ही मतलब अलग ही दुनिया में रहने का एक मौका मिल जाएगा। तो ये गया मेरा सेकंड सीक्रेट। और थर्ड सीक्रेट है, लव ऑलमोस्ट इन एवरी सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। ये मैंने सेकंड पॉइंट में ही कवर कर दिया कि ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी सिचुएशन, कुछ भी सिचुएशन आपके लाइफ में आ जाए ना, प्लीज ट्राई टू लव, बिकॉज आप जब हंसोगे तभी आपको लगेगा कि हाँ निकल गया। जैसे कि होता है ना कभी कभी कि कोई बात बोले आपको और आप कैसा एक्सप्रेशन देते हो ऐसे करके, ये जो हाँ इसका मतलब क्या है जाना, तो है ना। तो ऐसे ही हर एक सिचुएशन में, मैक्सिमम हर एक नहीं बताऊंगा, अभी बहुत सीरियस कोई इशू हो रहा है तो उसमें मत हंसो भाई, पागल हो जाओगे, वैसा पागल नहीं एकदम घटिया सा पागल हो जाओगे, लेकिन हंसना सीखो। हंसने से ना आपको जब करोगे जाने दो, ऐसा एक फीलिंग आ जाएगा, और जाने जब दिया ना आपने, तभी आप फ्रेश हो गए अंदर से। जैसे हम लोग कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं, है ना, मोबाइल से रिसेंट एप्स को हटाते हैं, वैसे ही एक छोटा सा हंसी ना आपको रिफ्रेश कर देता है। आप मिला के देखना मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। मेरा थर्ड पॉइंट यही चला गया। फिर चौथा जो पॉइंट है, चौथा जो सीक्रेट है, वो है लाइफ इज इम्परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट इज ब्यूटीफुल, है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हम मैंने पहले जो बोला कि हम एक दूसरे को जब चेंज करने की कोशिश करने में लग जाते हैं ना, तभी दरार पैदा होना स्टार्ट हो जाता है। भाई चेंज मत करो, आप लोग जैसे मिले थे वैसे ही रहो यार, कोई बात नहीं, कोई गल नहीं। बिकॉज आपने आपको कब लगा कि आप प्यार में हो, आपको जब लगा उस टाइम क्या आप वो चाहते थे कि मतलब अभी आप जैसे चेंज करने की कोशिश कर रहे हो वैसे कभी होगा? नहीं, आपके अंदर ईगो आ जाता है जब आप चेंज करने की कोशिश करते हो, ईगो आ जाता है, सेल्फिशनेस आ जाता है, फिर एक क्या बोलते हैं इसको, एक रूडनेस आ जाता है यार, जब आप देखते हो ना कि मेरे थिंकिंग जैसा वो मिल नहीं रही है या फिर मिल नहीं रहा है, तभी जाके लड़ाई हो जाता है। और लड़ाई के बाद क्या होता है भाई, ब्रेकअप। और ब्रेकअप जब हो जाता है ना, तो
पता है यार अभी इसका क्या डेफिनेशन दूँ. सो लाइफ इज इम्परफेक्ट यार, कुछ भी परफेक्ट नहीं है. देखो आपके लिए कुछ परफेक्ट हो सकता है, मेरे लिए वो चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकता. अभी अभी देखो मैं आज एक अलग ही सिचुएशन में, अलग ही कंडीशन में, रूम कंडीशन में मैं वीडियोस बना रहा हूँ, बिकॉज हर रोज आप लोग उसी सिचुएशन में बोर हो गए होंगे उसी लोकेशन में. वो मेरा दूसरा लोकेशन था, सामने ही है, लेकिन मैं आज सोचा कि नहीं थोड़ा डिम लाइट में, थोड़ा रोशनी से, सनशाइन के सामने बैठ के आपके साथ वीडियो करूँ. भले ही वीडियो दिखने में ठीक ना लगे, लेकिन भाई कंटेंट एकदम बढ़िया देने वाला हूँ, मुझे ये कॉन्फिडेंस था. और सेम आप लोग हमेशा इम्परफेक्ट चीज़ों को एंजॉय करो, नथिंग इज इम्परफेक्ट. देखिए अरे सॉरी सॉरी सॉरी, नथिंग इज परफेक्ट. देखा अभी एक इम्परफेक्शन का प्रूफ मैंने दे दिया ना, एक गलत बोल दिया तो उसमें क्या आया आपको? अरे अरे अरे, किसी को हंसी आया होगा या फिर कोई सोच रहा होगा अरे अरे गलती कर लिया. कुछ ना कुछ तो है ना आपको एंगेज करने के लिए, उसी को इम्परफेक्टनेस बोलते हैं. सो इस चौथे पॉइंट, चौथे सीक्रेट के साथ ही है ना आपको पांच नंबर सीक्रेट मिला देता हूँ. ये पांच नंबर सीक्रेट मैंने जो लिखा वो है एग्जाम्पल ऑफ ए बेबी. आप लोग एक बच्चा जैसा ना खुद को सोच सकते हो, एक बच्चे के साथ मिला के देखो. वो जब शैतानी करने के एज में रहते तब वो परफेक्ट रहता है क्या? बिकॉज हम लोग की नजर में परफेक्ट क्या है, एक मस्त बंदा बन जाए, एक मस्त बंदी बन जाए, फिर वो पैसा कमाए, अच्छा से पढ़ाई लिखाई पढ़े लिखे बने, एक अच्छा सा जॉब करे या फिर कुछ भी करे, अच्छा कमाई करे, फिर से शादी हो जाए, फिर बच्चा हो जाए, फिर से वो भी ऐसा बने. इसको हम लोग परफेक्ट लाइफस्टाइल बोलते हैं. लेकिन आप सोच के देखो, आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम जब बच्चे थे तब हम लोग बहुत खुश थे? आपको ऐसा नहीं लगता है कि काश हम लोग पहले जैसे थे ना, एक बच्चे, छोटे बच्चे, उसी लेवल पे हम लोग फिर से चले जाए? लगता है ना. तो आप सोच के देखो, पहले आप इसको परफेक्ट सोचते थे, लेकिन अब जब आपके परफेक्ट सिचुएशन में आ गए, आपको तब भी इनपरफेक्ट लगता है. आप तब चाहते क्या हो? अभी आप क्या चाहते हो? अभी आप चाहते हो कि आप लोग वही इम्परफेक्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ में चले जाएं, मतलब आप फिर से एक इम्परफेक्ट बच्चा बन जाए, जब आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं था, कौन क्या कहेगा आपके दिमाग में दूर दूर तक आता ही नहीं था. लेकिन अभी क्लास फाइव में पढ़ता है बच्चा, क्लास फोर में पढ़ता है. भाई मेरे को साइकिल भी नहीं मिला था उस टाइम में, मैं साइकिल खरीदा मैं क्लास इलेवन में, जब उठा ना इलेवन स्टैंडर्ड में मुझे साइकिल मिला, फिर पापा का बाइक चलाता था. ऐसे कर करके आज खुद का सब कुछ कर रहा हूँ धीरे धीरे. स्कूटी बाइक गाड़ी, जो लोग मुझे पहचानते हो सबको पता ही होगा मेरे पास अभी सब कुछ है, लेकिन वो मैं खुद थोड़ा थोड़ा करके ये बनाया. लेकिन ये मेरा प्राउडनेस, प्राइड बोल सकते हो ये है. लेकिन पहले क्या था भाई? इम्परफेक्ट. फिर भी मेरे पास आज इतना कुछ होते हुए भी मैं जाना चाहता हूँ वही इम्परफेक्ट टाइम ऑफ माय लाइफ में, बिकॉज तब कोई चिंता ही नहीं था यार. यही तो लाइफ, जब तक इम्परफेक्ट है ना तब तक बहुत अच्छा है. और सेटलमेंट के बारे में तो भूल ही जाओ. सेटलमेंट जब मिल जाएगा ना आपको, द सो कॉल्ड सेटलमेंट, मैं भूल गया इशारा करना, सो कॉल्ड सेटलमेंट, सेटलमेंट नाम का कोई चीज है ही नहीं. जब सेटलमेंट हो जाओगे ना तब एक प्रॉब्लम हो जाता है. और रिलेशनशिप भी ऐसा है, जब भी आपको लगे कि मुझे एक सेटल्ड रिलेशनशिप में जाना है, भाई उधर ही आपका रिलेशन खत्म हो गया, पता है? बिकॉज तब आ जाता है अट्रैक्शन, जरूरत, आपको उसकी जरूरत है इस काम के लिए, काम गया, खत्म. आप लोग समझ पा रहे हो ना किस बात पे बोल रहा हूँ? मुझे उसकी जरूरत है, अभी जरूरत मिट गया तो खत्म हुआ, लड़ाई झगड़ा हो जाता है. अभी आप परफेक्ट नहीं हो, जब तक मेरा जरूरत पूरा नहीं हो रहा था तब तक बहुत परफेक्ट हो, जब जरूरत पूरा हो गया तब बहुत परफेक्ट हो. तो इसी के साथ मैंने पांचवा पॉइंट सीक्रेट भी चौथा के साथ मिला दिया. सो ये पांच पॉइंट, देखिए पांच पॉइंट जब बोला ये ऑलरेडी 13 मिनट 14 मिनट का हो चुका है और ये वीडियो बहुत ही लंबा बन गया. तो दूसरा जो पांच सीक्रेट है वो मेरे अगले वीडियो में आने वाला है, कल के वीडियो में जरूर आएगा ये पांच पॉइंट. टिल देन आप लोग खुश रहिए. और आप लोगों ने अभी अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लो. देखिए भाई कितना मजेदार टॉपिक मैं दे रहा हूँ, मजेदार मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ. भले ही लेट लाया इस बार, बिकॉज मैं बाल काट लिया था यार, और ये बाल काटने की वजह से मैं थोड़ा गंदा लग रहा था, बिकॉज मैंने पूरा ऐसा पुराना फ्लैट कर दिया था, एकदम छोटा छोटा कर दिया था. तो अभी जब थोड़ा ग्रो किया मुझे लगा नहीं फाइनली आई शुड अपलोड द वीडियो. एंड नेक्स्ट पार्ट में आप लोग देखिए और भी पांच सीक्रेट बताऊंगा जिससे आपका लाइफ एक अच्छा लाइफ बन सकता है, आपका लव लाइफ एक अच्छा लाइफ बन सकता है. रिलेशनशिप में रह के भी आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग
क्वाइट नेचुरल है, नेचुरल रहना सीखो यार। इंस्टाग्राम में नहीं फॉलो किया तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है भाई, मिस मत करो, फॉलो कर लो। और वहां पे मैं डेली एक्टिविटीज डालने वाला हूँ हर रोज, अभी अभी डालता हूँ, लेकिन क्या है ना ये थोड़ा टफ हो जाता है कभी कभी, लेकिन अभी से डालूंगा। और आप लोग फॉलो कर लो इंस्टाग्राम में, और जिसको कुछ भी पूछना है भाई कमेंट करो, कमेंट में इंटरेक्ट करो मेरे साथ, मुझे अच्छा लगता है। और कुछ भी ऐसा टॉपिक्स लगे ना कि शोभिक भाई को कवर करना चाहिए ये सब टॉपिक्स, तो वो सब भी आप लोग कमेंट करो, लाइक करो वीडियो अगर पसंद आए तो, अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो लोग नहीं समझते कि रिलेशनशिप को हैप्पी कैसे रखा जाए, और पागल हो जाता है चेंज होने के लिए। और फेसबुक में पेज को भी फॉलो कर सकते हो। एनीवे टिल देन बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बी योर बेस्ट।